हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको फोर पैनल्स पेटीकोट बताएंगे। 30 इयर्स वुमेंस के लिए है ये। इसकी लेंथ होगी 35, विड्थ 17, कली विड्थ 7 एंड 10। तो इसी तरह से आपको हम पूरा जैसो कटिंग बताएंगे। ये 90 सेंटीमीटर क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ है। इस तरह से देखिए, फोर फोल्ड करना है। इसी तरह से टू फोल्ड किया है, इस तरह से फोल्ड करें। लेंथ लेंगे हम 35 एंड विड्थ लेंगे 17। क्लॉथ को अच्छे से कर लें पीसेस इस तरह से। ये जो कॉर्नर आएगा, ये कॉर्नर आपको झालर में यूज कर सकते हैं आप। ये जो कॉलर इसीलिए इसे छोड़ करके आपको लेना है। अभी हम इसकी लेंथ लेंगे 35। ये कॉलर के लिए है 6, तो यहाँ से हम ये कवर करेंगे 35। ये हो गई 35। लेंथ मार्जिन डाल लेंगे। विड्थ इज 17 इस तरह से। इस साइड भी मार्जिन डालें। इसे भी 17 लेंगे। इस तरह से अभी दोनों साइड मार्जिन डालें, कवर करें इस तरह से। ये हो चुकी है। सेवन पैनल विड्थ 7 एंड इस साइड से भी 7।
ये दोनों लाइन को अटैच करेंगे। इस तरह से सेवन सेवन एंड टेन एंड टेन। अभी हम कटिंग करेंगे। ये छालर के लिए यूज होगी एंड नेफा भी निकलेगा उसमें। इस साइड भी कट कर इस तरह से। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये जो कलीस है, कलीस को इस तरह से पैनल्स को आप फिर कटिंग कर लेंगे इसको भी। इस तरह से कट कर लेंगे। ये जो कलीस है, कलीस को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में ये कली इस तरह से बैठेगी। ये जो कली है इस तरह से बैठेगी। ये जो क्लॉथ है, ये क्लॉथ में आप इसमें 5 या 6 इंच में रख करके छालर की लेंथ 6 इंच रख करके 5 इंच रख करके भी आप 68+68 ले सकते हैं झालर के लिए। पूरा इसी तरह से इस तरह से ये 68 आएगा। तो इसी तरह से और एक भी पीस आप लगा करके स्टिचिंग कर सकते हैं। आपको पूरा क्लॉथ का आपको 220 सेंटीमीटर लगेगा। तो आप नेफा भी निकाल सकते हैं उसमें से। अभी ये जो झालर है, झालर का तरीका देखिए, इस तरह से आप नेफे में भी आप इसी तरह से लगाइए। इस तरह से बैठेगा वो नेफा, इस तरह आएगा जो हमने नेफा बताया है। नेफे की 25
लेंथ इस तरह से रहेगी, ये बैठेगी इस तरह से। स्टिचिंग में बताएंगे हम आपको। इस तरह से पेटीकोट की कटिंग होगी। आपको ये जो पैनल्स है, पैनल्स की स्टिचिंग करना है। Thank you.